गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन द लास्ट क्लास वी हैव कम्प्लीटेड अ टॉपिक दैट इज एनिमल हस्बेंड्री एज वेल एज वी हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड द फिशरीज हॉर्टिकल्चर. ओके, सो इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज इन द न्यू सिलेबस ऑफ द CBSE ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स the topic that is organic farming has been deleted, so we will not discuss in this class. So from that this topic that is other alternative livelihood option is the last topic of the rural development. So let's discuss it and after that we will move to the next chapter. Okay, so let's start other alternate livelihood options. Increasing role of information technology. The IT has revolutionized many sectors in the Indian economy. There is a strong belief that IT can play a critical role in achieving sustainable development and food security in the 21st century. Government can predict areas of food security and vulnerability using appropriate information and software tools so that action can be taken to prevent or reduce the likelihood of an emergency. Okay, so the IT has revolutionized means ki many sector in the economy ki IT kya kiya hai, jo different sector hain Indian economy mein unme kya kar diya, ek revolution la diya hai. Theek hai, revolution la diya hai kaun? IT. So there is a strong belief that IT can play a critical role in achieving sustainable development. So ये एक strong belief है कि IT क्या है, एक important और critical role play कर रहा है in the achieving sustainable development. ठीक है, sustainable development में IT क्या है, बहुत important role play कर रहा है as well as food security in the 21st century. Food security में भी IT का क्या है, बहुत ज़्यादा important role है. ओके, सो गवर्नमेंट कैन प्रिडिक्ट एरियाज़ ऑफ द फूड इनसिक्योरिटी. गवर्नमेंट क्या है, प्रिडिक्ट कर ले रही है एरियाज़ ऑफ द फूड सिक्योरिटी की थ्रू द IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू. गवर्नमेंट क्या है, डिफरेंट एरियाज़ को भी क्या कर ले रही है, आइडेंटिफाई कर ले रही है. एंड वल्नरेबिलिटी मीन्स कि जो एरिया क्या है, जो सफ़र कर रही हैं और जो सस्पेक्टेड हैं. So using appropriate information and software tool, different software as well as information tools के through government क्या कर ले रही है, जहाँ पर food security है as well as जो area बहुत ज़्यादा suffer कर रहे हैं उन area को क्या कर ले रही है, identify कर ले रही है so that action can be taken to prevent or reduce the likelihood of an emergency. कि उसके through क्या है कि कोई भी उसके अगेंस्ट में कोई भी एक्शन लिया जा सके कि इन सारी प्रॉब्लम्स को अगर हमको फेस करना है या उनसे हमें प्रिवेंट होना है एज़ वेल एज़ जब हमको रिड्यूस होना है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसके पहले गवर्नमेंट क्या है, एक एक्शन लेके इन सारी प्रॉब्लम से क्या कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है. ठीक है, तो इट कैन बी डन थ्रू दी IT सेक्टर. ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर के थ्रू क्या होगा, ये सारी चांसेस और प्रोबेबिलिटी हो जाएंगी कि हम फूड से जो इनसिक्योरिटी है और जो एरिया जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनको हम प्रोटेक्ट कर लें. सो इट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर एज इट कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी एमर्जिंग टेक्नोलॉजी. ओके, इसमें क्या हो रहा है कि ये क्या है, इट ऑल्सो हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर. ठीक है, इसका क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी देख रहे हैं एज इट कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी. बिकॉज ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हम क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देख रहे हैं कि एज इट कैन डिसमिनेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एमर्जिंग टेक्नोलॉजी कि ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, इसके थ्रू क्या हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, मीन्स प्रोपोगेट हो रही है, सबके पास रीच आउट हो रही है एंड इट्स एप्लीकेशन. ठीक है, जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके बारे में लोगों को पता चल रहा है, उसके एप्लीकेशंस के बारे में पता चल रहा है कि हाउ वी कैन यूज़ इट, उसके प्राइस के बारे में पता चल रहा है कि कितने की वो टेक्नोलॉजीज़ हैं और
वेदर, हम किस वेदर में इसको यूज़ कर सकते हैं, अगर वेदर हमारा फेवरेबल कंडीशन में नहीं है तो क्या हम उस टाइम उसको यूज़ कर सकते हैं नहीं, सॉइल कंडीशन कि सॉइल की कंडीशन सही है कि नहीं। तो डिफरेंट क्या होती है, टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये प्रॉपर सिचुएशन या प्रॉपर कंडीशन है कि नहीं हम डिफरेंट क्रॉप प्रोडक्शन करने में, फॉर दी ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप एक्सेट्रा। ठीक है, कोई भी क्रॉप को प्रोडक्शन करने में कोई हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू क्या कर सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड। ओके, इसके थ्रू क्या हो रहा है, डिफरेंट क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ क्रॉप्स की, क्रॉप्स जो हैं उनकी क्वालिटी भी इन्हांस हो रही है एज वेल एज़ उनकी क्वान्टिटी भी इन्हांस हो रही है। बिकॉज पहले क्या था, पीपल को उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, बट अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, जो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसके थ्रू लोगों को क्या है, इंफॉर्मेशन हो जा रही है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या कुछ भी हम सब्सिडीज़ या डिफरेंट टाइप्स के, अगर हम लोग कोई फर्टिलाइज़र्स ले रहे हैं, कोई इनपुट्स ले रहे हैं, तो उनकी कितनी प्राइस है, डिफरेंट जो भी एप्लीकेशंस या टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उसको कैसे एप्लीकेशन करना है, एज़ वेल एज़ उस किस वेदर में हम यूज़ कर सकते हैं, सॉइल कंडीशन इज़ गुड और नॉट, की सॉइल कंडीशन सही है कि नहीं, कोई भी डिफरेंट क्रॉप को अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो क्या वो सॉइल कंडीशन बेटर कंडीशन में है कि हम उस टाइम कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस कर सके कि नहीं कर सके। अकॉर्डिंगली क्वालिटी एंड द क्वान्टिटी ऑफ क्रॉप्स कैन बी इंक्रीज मैनी फोल्ड। ओके, इसके थ्रू क्या है कि क्वालिटी कोई भी प्रोडक्ट की या क्रॉप की अगर हमको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो हम क्या होगा कि क्वालिटी क्या है, कोई भी क्वालिटी ऑफ क्रॉप इन प्रोड्यूस कर सकते हैं और डिफरेंट क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैन बी इंक्रीज मैनी फोल्ड मीन्स मैनी टाइम्स क्या होगा, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी विल इंक्रीज। ओके, सो आईटी हैज़ पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ओके सॉरी, आईटी हैज़ potential of employment generation in rural areas. Experiments with IT and its application of the rural development carried out in the different part of India. Okay, IT has potential of employment generation in rural areas. ठीक है, जो information technologies हम लोग use करते हैं information को gather करने के लिए, different जो भी technologies हम use करते हैं, तो इसमें क्या है, IT में potential है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट भी कर सकता है इन दी रूरल एरियाज़। ठीक है, रूरल एरियाज़ में भी अगर ये सारी डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होंगी, सेटअप होंगी, तो उसमें कोई ना कोई तो वर्कर चाहिए करने को, तो इससे क्या होगा, रूरल एरियाज़ में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। एक्सपेरिमेंट विथ आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन टू दी रूरल डेवलपमेंट आर कैरीड आउट इन दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी इंडिया। ओके, आईटी के साथ जो भी डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर कोई भी चीज़ हम सेटअप किए हैं, फिर उसमें हमको क्या करना है, डिफरेंट चेंजेस करना है। ठीक है, तो उसके साथ एक्सपेरिमेंट करके हम उसको डेवलपमेंट कर सकते हैं, और उसके एप्लीकेशंस को भी अगर हम रूरल डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि ये पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, एज वेल एज़ इट कैरीड आउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। ये डिफरेंट पार्ट इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में भी ये कैरीड आउट भी हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट इज Information technology has entered into a knowledge economy, has a great potential of generating employment in rural areas. Okay, so information technology has entered into a knowledge economy. ठीक है, जो information technology है वो क्या है, किस में entered हो गया है, knowledge economy में, because अभी people के पास क्या है, lots of information and lots of knowledge about the any product, about the economy also, and has great potential of the generating employment in rural areas. Okay, और इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा great potential है कि employment generate भी हो सकता है. Okay, so IT acts as a tools for utilizing the creative potential. Okay, IT क्या है, IT कैसे act करता है, it is just like a tool for utilizing the creative potential, कि कोई किसी में भी जो potential हो उसको कैसे हम क्रिएटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं, तो एज अ टूल हम लोग आईटी को लेते हैं, एंड द कैपेबिलिटीज़ एम्बेडेड इन दी सोसाइटीज़, और वॉट एवर दी
डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ हैं जो भी सोसाइटीज़ में इंक्लूडेड हैं, उनको हम प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं. ओके, क्योंकि आईटी ही के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट कितने भी पोटेंशियल हैं लोगों में, कैपेबिलिटीज़ है, उनको हम क्या कर सकते हैं, वॉट एवर इट इज़ वेर एवर इट इज़ इंक्लूडेड इन द सोसाइटीज़, जो भी सोसाइटी में ऑलरेडी एम्बेडेड हैं, जो हैं एग्जिस्ट कर रही, उनको हम कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करें. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 6, दैट इज रूरल डेवलपमेंट. लेट्स वन रिकैप्चुलेट ऑल द टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी डिस्कस्ड ओवरऑल, वी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर that the rural development, what are the different challenges or key issue of the rural development. Yes, we have studied rural credit, classification of the rural credit needs. Okay, हम लोगों ने classify किया था rural credit need on the basis of time or the purpose, and what are the different sources of rural credit, institutional and non-institutional, rural banking. We have already discussed the agricultural marketing system, that is measure initiated by the government to improve agricultural marketing system after independence, problem defects of the agricultural marketing system, marketing in India, suggestions to improve the agricultural marketing system. ठीक है, different suggestions हैं कि हम कैसे improve, we have already discussed, as well as alternative marketing channels, diversification in agriculture, in which diversification of crop production and the diversification of the production activity. Last topic, it is deleted from your syllabus. Okay, so till here we have already discussed. Okay, so what we have discussed, that simply rural development is not a narrower topic, it is a broader topic as well as it is comprehensive topic. ठीक है, इसमें क्या है, हम focus basically किस पे कर रहे हैं कि development of the all the rural areas, हम किसी एक particular regional की growth की बात नहीं कर रहे हैं, हम balanced regional growth की बात कर रहे हैं कि क्या है कि जो भी area क्या है lagging behind है, means उनका जिनका growth development नहीं हो पा रहा है, उन सब area का development बेसिकली जो भी रूरल से रिलेटेड हैं उससे हमको क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट करना है. एंड एज वेल एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द व्हाट आर द डिफरेंट चैलेंजेस और द इश्यूज ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, इन विच वी हैव डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, अ लैंड रिफॉर्म, यस लैंड रिफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, alleviation of the poverty, development of the productive resources of each locality. Next topic, what we have discussed, that the credit and the marketing in the rural area, that is rural credit. So rural credit simply means refers to the credit for the farmers. ठीक है, credit की facility farmers के लिए in the rural area, it is called the rural credit. So it is classified into two, that is according to time and according to purpose. So in the according to time, it is basically divided into three, that is short term credit, medium term credit and long term credit. Okay, so according to purpose, it is divided into two, productive purpose and unproductive purpose. Okay, and next topic what we have discussed, that the what are the different sources of the rural credit. Okay, so in this topic what we have discussed, the sources of the rural credit can be classified into two, non-institutional sources or the institutional sources. So non-institutional sources refers to the money lenders as well as traders, commissions agents, landlord, friends. So ye sare kya hain, non-institutional sources hain. To in sare ki demerit kya ho rakhi thi, ye log bahut zyada kya karte the, इंटरेस्ट चार्ज बहुत ज़्यादा करते थे, एंड दे हैव ऑल्सो मैनिपुलेट दी अकाउंट्स ऑफ दी फार्मर्स, की वो जो अकाउंट होते थे फार्मर्स के उसको भी ये लोग अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेते थे. ओके, एंड दे हैव ऑल्सो एक्सप्लॉइट दी स्मॉल फार्मर्स एज वेल एज. नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इन विच वी हैव डिस्कस्ड द
मैनी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. फर्स्ट वन इज कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी. नेक्स्ट इज लैंड डेवलपमेंट बैंक. इट इज़ रिलेटेड टू दी इन दिस केस फार्मर्स क्या करते थे, जो भी उनकी लैंड होती थी उसको वो मॉर्गेज करके लैंड डेवलपमेंट बैंक से फंड ले लेते थे एंड देन इन्वेस्टेड. वो क्या करते थे, अपने जो भी इनपुट्स हैं उसको परचेस करके क्रॉप का प्रोडक्शन करते थे एंड आफ्टर डैट जो भी उससे इनकम होती थी वो लोग उसको जितने भी लोन होते थे उसको पेड करते थे. नेक्स्ट वन इज़ कमर्शियल बैंक क्रेडिट. कमर्शियल बैंक क्रेडिट में डिफरेंट व्हाट आर द डिफरेंट. सो इन दी 1969 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दी 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे. 14 बैंक कमर्शियल बैंक नेशनलाइज्ड हुए थे एंड इन 1986 बैंक वर नेशनलाइज्ड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक व्हाट वी डिस्कस दैट इज RRB रीजनल रूरल बैंक्स. ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप. सेल्फ हेल्प ग्रुप, ओके, सो इसमें क्या होता था, बेसिकली ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते थे रूरल. क्या करते थे, रूरल वीमेंस क्या होती थी, वो एक ग्रुप टुगेदर क्रिएट करके उसमें क्या करती थी, फंड जो भी मनी होता था उसको एक साथ करके कलेक्शन करके आफ्टर डैट जो भी नीडी होता था कोई वीमेन उसको वो प्रोवाइड कर देती थी एंड दे हैव चार्ज दी वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, बहुत कम रेट इंटरेस्ट रेट चार्ज करते थे. एंड नेक्स्ट व्हाट वी हैव डिस्कस दैट इज़ नबार्ड. दैट इज़ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट. इट वॉज सेटअप इन दी 1982 एज ए एपेक्स बॉडी टू प्रोवाइड दी क्रेडिट फैसिलिटीज इन दी रूरल एरिया. ओके, नाउ व्हाट फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ रूरल बैंकिंग अ क्रिटिकल अप्रेजल. ओके, इन दिस व्हाट वी हैव डिस्कस दैट दी की रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम वर पॉजिटिव इफेक्ट. मीन्स जो भी बैंक्स थे उनका रैपिड एक्सपेंशन हो रहा था फॉर दी प्रोवाइडिंग दी फंड्स इन दी फार्म एज वेल एज नॉन फार्म एरियाज. बट इसकी प्रॉब्लम ये हो रही थी, जो भी फार्मर्स फंड ले रहे थे वो लोग क्या कर रहे थे, कुछ भी लोन उसको पेड नहीं कर रहे थे. तो डिफरेंट जो भी बैंक्स थे और जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थे वो क्या करते, दे हैव मतलब वो लोग इतना उनके पास मनी, जब सारे फार्मर्स उनको फंड प्रोवाइड नहीं करते थे तो इसके थ्रू क्या हो गया कि जो जितने भी कमर्शियल बैंक्स थे वो बैक सीट होते चले गए. क्योंकि वी हैव डिस्कस टू टॉपिक दैट इज़ टू फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक. कि पहला क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड दी एडवांसिंग दी लोन. जब तक अगर कोई भी कमर्शियल बैंक इंस्टीट्यूशंस को अगर फंड नहीं मिलेगा सो दैट दे आर नॉट एबल टू गिव दी लोन ऑल्सो, कि उनको लोन भी नहीं दे पाएंगे. फिर तो इन दैट कंडीशन फार्मर क्या करते थे, वो लोग फंड लोन ले तो लेते थे बट वो लोग उसको पे बैक नहीं करते थे. इसकी वजह से क्या था, जितने भी कमर्शियल बैंक थे और अदर जो भी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस थी वो एकदम वर्स कंडीशन में होते चले गए. फिर ये बोला गया कि इस सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए बैंक से बोला गया कि आपको अपने अप्रोचेस को चेंज करना पड़ेगा. एज अ बोरोवर की तरह आप बिहेव ना करके उनके साथ एक रिलेशनशिप को क्रिएट करिए. इस रिलेशनशिप की तरह आप क्या कर सकते हो, एज अ फ्रेंड की तरह आप डिस्कस करो उनके साथ, एज अ बोरो मतलब एज अ लोन प्रोवाइडर उनके साथ बात करो कि दे हैव टू ऑल्सो क्रिएट और इनकलकेट दी हैबिट ऑफ थ्रिफ्ट. कि वो अपनी थ्रिफ्ट की भी, सेविंग की भी क्या करें, हैबिट को क्रिएट करें और जितने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनका एफिशिएंटली यूटिलाइज करें. इट डजेंट मीन कि आज उनको फंड मिला है, मनी मिला है तो आज उसको ही पूरा ख़त्म कर दें, नहीं. उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज को दे कैन प्रॉपरली यूटिलाइज इट टू एज वेल एज इन्हांसिंग अमंग द फार्मर्स टू. और ये फार्मर्स को भी क्या करना था, इन सब चीज़ों को समझना था. ओके, सो इन दिस टॉपिक वी हैव डिस्कस ऑल दीज थिंग्स. नेक्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या होता था, जो भी डिफरेंट फार्मर्स होते थे वो क्या करते थे, अपने प्रोडक्ट को ट्रेडर्स को, बिग मर्चेंट को ही सोल्ड आउट कर देते थे. इन दैट केस दे हैव सफर्ड कि उनसे क्या करते थे, वो लोग बहुत लो प्राइस ही प्रोवाइड करते थे उनको, किसको, जो भी फार्मर्स होते थे. क्योंकि वो जो भी बिग मर्चेंट हैं, मनी लेंडर्स हैं, वो पूरा उनको एक्सप्लॉइटेशन करते थे
एज वेल एज़ उनके जो प्रोडक्ट थे, क्रॉप थे, उसको वो लोग बहुत लेस अमाउंट में ही देते थे. एंड दे हैज़ ऑल्सो दी दे आर नॉट एबल टू पे ऑल दी ओल्ड डेट्स, कि वो जितने भी फार्मर्स थे वो पूरे ओल्ड डेट को दे नहीं पाते थे, बिकॉज जो भी उनके क्रॉप होते थे उनके फेयर प्राइस उनको मिलते ही नहीं थे कि जितने का वो होता था. तो इससे क्या था, देवर फोर्स टू सेल देयर प्रोडक्ट एट दी लो प्राइस. फिर वो उनको क्या होता था, इतना ज़्यादा वो ओल्ड डेट में ही होते थे कि वो लोग एकदम फोर्स हो जाते थे कि अपने डेट को पे करने के लिए वो लो प्राइस में ही सारे अपने क्रॉप को सोल्ड आउट कर देते थे. एज वेल एज इसमें क्या हुआ, इवन टुडे मोर देन 10% ऑफ द गुड प्रोड्यूस इन फार्म्स आर वेस्टेड ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. ओके, उस कंडीशन में क्या था कि 10% अभी की भी अगर हम बात करते हैं तो 10% ऐसे लो 10% है कि अभी भी जो क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है वो वेस्ट हो जा रहा है ओनली बिकॉज ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी. कोई भी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं है, कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है. तो दीज ऑल आर दी सम प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू दी बेसिकली प्रायर टू इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस के बारे पहले की बात हो रही है, बट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम में क्या था, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात की गई जहाँ पे जितने भी फार्मर्स हैं वो क्या है, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं डिफरेंट कस्टमर और कंज्यूमर से, और वो अपने डिफरेंट क्रॉप को सोल्ड आउट करके उसका फेयर प्राइस, रीजनेबल प्राइस दे कैन टेक इट. एंड नेक्स्ट वन इज़ मेजर्स इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, तो गवर्नमेंट ने कौन से ऐसे डिफरेंट मेजर्स लिए टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. सो इसमें क्या क्या था, पहला रेगुलेशन ऑफ मार्केट, प्रोविजन ऑफ द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एज वेल एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस. ओके, सो दीज ऑल आर दी सम सजेशंस और दी मेजर्स विच इज़ टेकन बाय दी गवर्नमेंट आफ्टर दी इंडिपेंडेंस टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ वॉट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स ऑफ दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इन इंडिया. ठीक है, कि अभी क्या था कि कौन से ऐसे डिफरेंट मार्केटिंग में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थी. तो फर्स्ट वन इज़ प्री डोमिनेंस ऑफ दी प्राइवेट ट्रेडर्स. ओके, प्री डोमिनेंस प्राइवेट ट्रेडर्स जो होते थे, मनी लेंडर्स होते थे, वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन फार्मर का करते थे. डिस्ट्रेस सेल, डैट मीन्स कि जो भी फार्मर्स होते थे वो लोग बहुत ज़्यादा अंडर डेट होते थे, दे आर नॉट एबल टू पे ऑल दी डेट्स. इन दैट कंडीशन वो क्या करते थे, अपने जितने भी क्रॉप को उसको लो प्राइस में ही सोल्ड आउट करते थे. दे हैव लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, उनके पास ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया है उसको वो मार्केट तक पहुँचा सके. इसलिए वो क्या होते थे, एकदम फोर्स्ड होते थे कि अपने विलेज में ही, रूरल एरिया जो भी उनसे लोकेलिटी में होता था, वहीं वो लो प्राइस पे उसको सोल्ड आउट कर देते थे. लैक ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, कोई एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं होता था जहाँ पे वो अपनी कमोडिटी को सोल्ड आउट कर सके. नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी. एंड द लॉन्ग चेन ऑफ द इंटरमीडियरीज, ओके, जो ये लॉन्ग चेन इट इज़ दैट इज़ मैन्युफैक्चरर, देन होल सेलर, देन रिटेलर, एंड देन इट रीच टू द कंज्यूमर. मीन्स अभी यहाँ पे फार्मर है, वो फार्मर क्या करेगा, मनी लेंडर को सेंड करेगा, मनी लेंडर को लो प्राइस, मनी लेंडर जो इसको लो प्राइस देगा, फिर ये कॉमोडिटी उसके पास आएगी और वो उसको जो है बहुत ही लेस अमाउंट प्राइस उसको मिलेगा. ओके, सो दीज ऑल आर दी सम प्रॉब्लम्स विच इज़ रिलेटेड टू दी एग्रीकल्चर. नेक्स्ट वन इज़ सजेशंस टू इम्प्रूव दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सिस्टम. सो वॉट आर द डिफरेंट सजेशंस कि हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को, सिस्टम को इम्प्रूव कर सके. सो फर्स्ट वन इज़ गवर्नमेंट इंटरवेंशन. ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए, जैसे जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको रिमूव किया जा सके. फार्मर क्या करें, अपने प्रोडक्ट को, अपने क्रॉप को क्या करें, डायरेक्टली गवर्नमेंट को सोल्ड आउट करेंगे तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको एक रीज़नेबल प्राइस प्रोवाइड करेगी उनके क्रॉप का. मोर ऑफ द रूरल पीरियोडिक मार्केट शुड बी डेवलप. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पीरियोडिक मार्केट भी क्या होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए. जैसे जो भी रूरल एरियाज़ में पीपल हैं, रूरल मार्केट
उसका फुल पोटेंशियल यूज़ कर सके. नेक्स्ट इज देयर शुड बी इंक्रीज प्रोविजन ऑफ द मोर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़. ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए, लाइक वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेज एंड सो ऑन. एबोल्यूशन ऑफ द इंटरमीडियरीज, जो भी डिफरेंट इंटरमीडियरीज आते हैं, कि कोई भी फार्मर अगर डायरेक्टली कस्टमर के पास पहुँचेगा तो उसको क्या है, एक उसका रीज़नेबल उसको प्राइस मिलेगा, बट बहुत सारे इंटरमीडियरीज आने के बाद उसको बहुत लो प्राइस ही मिलता है. प्रोविजन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं उनको क्वालिटी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग करना. नेक्स्ट वन इज़ डिसमिनेशन ऑफ द मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो भी मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करना. न्यू कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी शुड बी इंस्टेब्लिश, न्यू मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इंस्टेब्लिश होनी चाहिए. एज वेल एज लास्ट वन इज़ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कमर्शियल बैंक शुड प्रोवाइड ईजी क्रेडिट टू द फार्मर्स एज एंड वेन दे रिक्वायर्ड. ओके, और जो भी जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, वो क्या करें, ईजी क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी फार्मर्स को प्रोवाइड करें. ओके, नेक्स्ट वन इज़ ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल, विच मीन्स कि मार्केटिंग चैनल के ऑल्टरनेटिव की कुछ ऐसे डिफरेंट स्टेट और रीजन में क्या होते हैं, अपने अपने मार्केट होते हैं, एज वेल एज सम ऐसे भी इंस्टीट्यूट फास्ट कुछ चेन होते हैं, फूड चेन, वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर्स के साथ ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि वो डायरेक्टली उनसे ही जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स हैं वो उससे परचेस करेंगे और उनको जो भी इनका फेयर प्राइस है दे विल प्रोवाइड टू देम. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स कि एज वी ऑलरेडी नो कि एग्रीकल्चर क्या है, वो बैकबोन है किसी भी इंडियन इकॉनमी का बेसिकली. तो इसमें क्या है, बट समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि जो भी पूरा, अगर हम लोग किसी एक चीज़ पे बेस्ड हो जाएंगे तो ये क्या हो सकता है, क्वाइट डिफ़िकल्ट हो सकता है फॉर दी ऑफ सीज़न. अगर ऑफ सीज़न है, जिस सीज़न में कोई भी क्रॉप कम प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, उस टाइम क्या होगा कि कोई भी अगर वर्क हमारे पास नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगी, कोई भी लोगों के पास वर्क नहीं होगा, अगर वर्क नहीं होगा तो इनकम नहीं होगी. इसलिए क्या बोला जा रहा है कि कुछ डाइवर्सिफिकेशन भी होना चाहिए, कुछ एग्रीकल्चर से डाइवर्सिफाइड की भी हम बात करें, बस हम उसी पे बेस ना होके हम उसका कुछ सब्सटीट्यूट और अल्टरनेटिव भी सर्च करें. ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर. सो इन दिस व्हाट वी हैव डिस्कस्ड द एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, इन विच डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मीन्स चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. जो भी क्रॉपिंग पैटर्न है, पहले लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए प्रोडक्शन कर रहे थे, अब किसके लिए करें, कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए करें. जो पहले लोग सिंगल क्रॉप सो कर रहे थे, अब क्या करें, मल्टीपल क्रॉप करें. सो दीज ऑल आर द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन. नेक्स्ट वन इज़ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़, मीन्स हमें क्या करना है, एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके हमको अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में जाना है, लाइक लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री, हॉर्टिकल्चर एज वेल एज फिशरीज एक्सेट्रा. ओके, सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन वी हैव डिस्कस्ड. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ एनिमल हस्बेंड्री. ओके, सो एनिमल हस्बेंड्री मीन्स सिंपली दी कैटल फार्मिंग की बात होती है, कि क्या करेंगे, कैटल की फार्मिंग, कैटल की बात होती है कि कैटल का रखना, एज वेल एज लाइफ स्टॉक फार्मिंग की बात होती है, कि हम एक एनिमल को एज अ असेट रखते हैं, डिफरेंट कैटल्स को रखते हैं जिनका जो मिल्क होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट कोऑपरेटिव मार्केटिंग के थ्रू जितने फार्मर्स हैं वो सोल्ड आउट कर देते हैं और उससे उनकी एक इनकम जनरेट होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फिशरीज़. फिशरीज़ इट इज़ ऑल्सो दी डैट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत ऐसे फिशिंग कम्युनिटी है जो टोटली डिपेंड है इसी पे, और यही उनको क्या है, एक लाइफ गिविंग और एज वेल एज इंट्रीगल है, बिकॉज उनकी जो भी सब्सिस्टेंस है और लाइवलीहुड है वो पूरा किस पे डिपेंडेंट है, फिशरीज़ पे ही है, फिश पे ही है. तो फिश प्रोडक्शन फ्रॉम इनलैंड सोर्सेज, इनलैंड सोर्सेज मीन्स जो आपके ब्रैकिश वाटर एज वेल एज जो फ्रेश वाटर होते हैं उस पे फिश का प्रोडक्शन, इट इज़ अबाउट 64% एज वेल एज जो बैलेंस 36% किस पे हो रहा है, मरीन सेक्टर पे. ओके, मरीन में हो रहा है, मीन्स जो आपके सी और ओशंस होते हैं.
ओके नाउ द नेक्स्ट वन इज़ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मीन गार्डनिंग, गार्डनिंग के वेजिटेबल्स की गार्डनिंग, फ्रूट्स की, फ्लावर्स की, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की गार्डनिंग होता है हॉर्टिकल्चर। सो दीज ऑल आर द डाइवर्सिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव डिस्कस दैट इज सॉरी व्हाट वी हैव डिस्कस दैट इज इन टूडेज अदर ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड ऑप्शन इन विच वी हैव सीन दैट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रोल है वो डे बाई डे इंक्रीज करा है, और इसका क्या है पॉजिटिव इम्पैक्ट हम एग्रीकल्चर सेक्टर पे भी देख रहे हैं, क्योंकि इसी के थ्रू डिफरेंट इंफॉर्मेशन क्या हो रही है डिसमिनेट हो रही है। इससे इंडिविजुअल एज वेल एज फार्मर्स एबल हैं कि वो डिफरेंट काइंड ऑफ नॉलेज को गैदर करें अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उनके एप्लीकेशन कैसे करने हैं, कितनी क्वांटिटी में कोई प्रोडक्ट को यूज़ करना है, किस वेदर में किस कॉमोडिटी और सॉरी किस क्रॉप को सो करना है, कैसा वेदर है, सॉइल की कंडीशन कैसे। तो सो थ्रू ऑल द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट प्लेज द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो। ओके सो इट्स ऑल अबाउट योर टूडेज क्लास। वी विल कंटिन्यू और वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज एम्प्लॉयमेंट चैप्टर 7 इन द नेक्स्ट क्लास। ओके थैंक यू।